क्या मानते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, मतलब अपनी राजनीति के लिए ऐसा किया गया? अब ये तो खुलेआम है कि पॉलिटिकल स्टंट तो है ही है। उनका मानना ये है कि ये सवर्ण समाज तो हमारा बंधुआ मजदूर है, इसी की कहीं जाने वाला नहीं है। हम अन्य जातियों का वोट ले लें तो हम हमेशा हमारी सरकार बनती रहेगी। लेकिन जो सवर्ण समाज आपको ऊपर तक पहुंचा सकता है, तो वो सवर्ण समाज कब तक आपको देखेगा? वो कम से कम ये भी देखेगा हमारा भी सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति ये है, अब मैं तीनों विषयों पर आता हूँ सारांश में। SC ST Act में किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, चाहे कांग्रेस रहे, हम सबका दोष देते हैं, भाजपा के भी, सारी सरकारों का। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को यह एहसास हो गया कि SC ST Act का दुरुपयोग हो रहा है, उन्होंने आदेश पारित किया। और हम लोग मानने वाले हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय एक न्याय का मंदिर है, तो इसके आदेश का पालन होना चाहिए। सही दिशा मिली थी, इनको बहाना भी मिल गया था, तो ये अगर उसी के दिशा के अनुरूप ही काम कर देते तब भी बहुत सहूलियत थी। हम नहीं कहते हैं कि कोई हर्जन अगर उत्पीड़ित हो रहा है तो उसको न्याय न मिले, तो ठीक किया कि जांच करें, जांच में अगर दोषी है तो हम नहीं वकालत करते हैं, लेकिन निर्दोष को सुनने का भी ना अवसर मिले और आप उसको जेल भेज दें, इसका ये विरोध हो रहा है हमारा। भैया बताइए। देखिए, आज सुल्तानपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के बैनर तले ये जन चेतना यात्रा पहुंची है। जैसा कि अभी हमारे बाबूजी ने बताया कि बेसिकली इसमें दो चीज़ें हम लोग रखे हैं, एक SC ST Act में संशोधन का विरोध और दूसरा प्रमोशन में आरक्षण और क्रीमी लेयर का विरोध।